ये हमारा डीसी जैक है, डीसी जैक का पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, ये हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव पहले कहाँ जा रहा है? ये एन चैनल मॉस्फेट के सोर्स पे आ रहा है। ये हमारा एन चैनल मॉस्फेट है, इस एन चैनल मॉस्फेट के सोर्स पे आ रहा है, ठीक है ना। तो एन चैनल मॉस्फेट हम बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे एन चैनल मॉस्फेट? इसके सोर्स पे आ रहा है, सोर्स पे आया, ड्रेन से आउट होगा, ड्रेन से आउट हुआ और फिर ये जा रहा है ये एन चैनल मॉस्फेट के, मैं एक बार देख लेता हूँ ड्रेन पे आ रहा है कि सोर्स पे आ रहा है। ये 1-2 पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए, सॉरी ड्रेन पे आ रहा है, ये एन चैनल के ड्रेन पे आ रहा है, तो कोई नहीं, हम इसको ये ड्रेन कर दे रहे हैं, ये हमारा सोर्स है। तो अब इसमें देखो एन चैनल मॉस्फेट में डायरेक्ट पोजिशन क्या होता है, सोर्स से ड्रेन की ओर, सोर्स से ड्रेन की ओर, ये होता है एन चैनल में, ये हमारा एन चैनल मॉस्फेट है। जब यहाँ से करंट आगे जाएगा तो फिर किस पे आएगा, इसके सोर्स से आउट होकर के इसके सोर्स पे इन कर गया है, सोर्स पे इन करके ड्रेन से आउट हो गया है, मतलब फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या बना, इसके सोर्स पे इन किया, ड्रेन से आउट कर दिया और ड्रेन से आउट हो गया। और यहाँ पर फिर हमारा ये करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये हमारा मॉस्फेट क्या है, सोर्स पिन कर रहा है, ड्रेन से आउट कर रहा है। तो अगर आपको चेक करना है कि एन चैनल है कि पी चैनल है, तो भाई ऐसे ही देख लो, एन चैनल में सोर्स से ड्रेन की ओर वैल्यू देगा, तो देखो सोर्स से ड्रेन पे हमारा वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये भी एन चैनल है। इसमें देखो सोर्स से ड्रेन पे वैल्यू मिल रहा है, चार्ज हो गया है, इसको डिस्चार्ज कर लीजिए थोड़ा। सोर्स टू ड्रेन वैल्यू मिल रहा है, दैट मींस डायोड पोजीशन दोनों में क्या होता है, एन चैनल मॉस्फेट में सोर्स से ड्रेन की ओर है ना, तो मतलब सोर्स से ड्रेन में। अब देखिए ये दो मॉस्फेट है विन सेक्शन में, तो अगर 19 वोल्ट यहाँ पे आया, ये मॉस्फेट रोक लेगा, डायोड पोजीशन इसका रिवर्स है, तो ये हमारा मॉस्फेट क्या होगा, एज ए स्विच, स्विच काम करेगा। जब इसका गेट हाई होगा तब जाके 19 वोल्ट यहाँ आएगा। अब 19 वोल्ट जब यहाँ आया सीधा निकल जाना चाहिए, क्योंकि एज ए डायोड है, लेकिन ये एज ए डायोड हम कह सकते हैं कि वोल्टेज सेक्शन के लिए एज ए डायोड है, लेकिन ये जो मॉस्फेट है ये बैटरी वोल्टेज के लिए बैरियर का काम करता है, मतलब बैटरी वोल्टेज को इधर नहीं आने देता, ठीक है। तो अब पहली जरूरत ये है कि इसका गेट हाई होगा तब, इसका गेट हाई होगा तब, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसका गेट के लिए हाई कैसे किया गया है, तो देखो इसका गेट और इसका गेट दोनों आपस में अटैच है, इसका गेट दोनों आपस में अटैच है, और फिर एक रजिस्टर के थ्रू बैटरी चार्जिंग आईसी से कनेक्ट है, बैटरी चार्जिंग आईसी से कनेक्ट है। अगर हम इसको स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग लेके चले तो बैटरी चार्जिंग, जैसे कि मेरे पास स्कीमेटिक है, तो स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग चले तो देखिए एसी ड्राइव क्या आ रहा है, इस पे एसी ड्राइव, इस बैटरी चार्जिंग आईसी के पिन नंबर 4 से क्या आउट हो रहा है, एसी ड्राइव, एसी ड्राइव देखिए। फिर यहाँ पर एक आया 4.3 किलो का रजिस्टर, और यही रजिस्टर के साथ ये वोल्टेज आ गया इसके गेट पे, ये दूसरा वाला हमारा एज ए डायोड वाला जो मॉस्फेट हम जिसको बोल रहे हैं, मतलब सेकंड मॉस्फेट जो है वोल्टिन का, उसके गेट पे। और साथ ही साथ देखिए यही एसी ड्राइव आपको यहाँ भी मिल रहा है, मतलब ये गेट हमारा कनेक्ट हो गया, तो इसका हमारा क्या, ये इस सिग्नल का क्या नाम है यहाँ पर, एसी ड्राइव। अब सवाल ये उठता है कि एसी ड्राइव पे वोल्टेज कितना होगा, तो देखो यहाँ पर क्या हमारा एन चैनल मॉस्फेट, इनपुट क्या 19 वोल्ट, भाई आउटपुट भी चाहिए 19 वोल्ट। तो हमने पहले मॉस्फेट की क्लास में समझ रखा है कि एन चैनल मॉस्फेट में अगर इनपुट आउटपुट को सैचुरेशन मोड में लाना है, मतलब
सेम करना है तो भाई गेट पे क्या होना चाहिए, इनपुट से भी ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए, मतलब इस गेट पे जब भी वोल्टेज आपको मिलेगा वो 19 वोल्ट से ज्यादा ही मिलेगा। वही अगर पी चैनल होता तो यहाँ पे 1 से 6 वोल्ट के बीच में मिल रहा होता, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 19 वोल्ट से ज्यादा, मतलब हो सकता है 22 वोल्ट मिल रहा हो, सकता है 24 मिले, हो सकता है 26 मिले, डिपेंड करेगा। तो जाहिर सी बात है इसके गेट पे भी वही वोल्टेज बन गया। अच्छा अब ये एसी ड्राइव बंद कैसे रहा है, ये तो हमें ठीक है कि एसी ड्राइव से गेट ओपन होगा, लेकिन कब? जाहिर सी बात है कि एसी ड्राइव तभी आएगा ना जब इस बैटरी चार्जिंग आईसी को पहले से सप्लाई मिलेगी। तो हमें उस पाथ को भी देखना है कि बैटरी चार्जिंग आईसी को सप्लाई कैसे मिल रही है। तो जैसा कि इस लैपटॉप में ऑप्शन दे रखा है कि बैटरी चार्जिंग आईसी को सप्लाई के तौर पे क्या मिल रहा है, एसी डिटेक्ट, क्या आ रहा है, एसी डिटेक्ट। एसी डिटेक्ट का मतलब अडाप्टर करंट डिटेक्ट, मतलब जैसे आप अडाप्टर लगाओगे तो ये बैटरी चार्जिंग आईसी इसको सेंस कर लेगा। वो कैसे सेंस कर रहा है, तो अगर गौर से देखें इस पिन नंबर 6 को, ये देखिए कैसे जुड़ा हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है और यहाँ पर क्या आ रहा है, पीबी अडाप्टर। पीबी अडाप्टर का मतलब हमारा कौन सा पॉइंट है, पीबी अडाप्टर, ये डीसी जैक से जो हमारा निकल रहा है ये हमारा पीबी अडाप्टर है। कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इस सर्किट के अकॉर्डिंग चलूं, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से ये रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर को वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के फिर यहाँ पर क्या बना दिया गया, एसी डिटेक्ट, मतलब एडाप्टर करंट डिटेक्ट, लिखा ना एसी डिटेक्ट, ठीक है। अच्छा एसी डिटेक्ट जब मिलेगा इसको, तो जैसे एसी डिटेक्ट मिला बैटरी चार्जिंग आईसी ने एसी ड्राइव ऑन कर दिया, एसी ड्राइव जैसे ऑन हुआ तो हमारा यहाँ पर एक गेट हाई हो गया, गेट हाई हो गया तो 19 वोल्ट इधर पास कर जाएगा, फिर यही 19 वोल्ट इधर पास कर आएगा, है ना। तो इस पॉइंट के साथ हमारा क्या क्या जुड़ा है, इसको हम बोलते हैं पावर सोर्स। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस करंट सेंस रजिस्टर के बाद का जो पॉइंट है जिससे कि इस 19 वोल्ट वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे लैपटॉप बोर्ड में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सोर्स। और इस पावर सोर्स पे जो वोल्टेज बह रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, विन वोल्टेज। तो अब देखिए इस बैटरी चार्जिंग आईसी के साथ ही एक और मॉस्फेट लगा हुआ है स्विचिंग के लिए, ये हमारा मेन मॉस्फेट है, ये हमारा सपोर्टिंग मॉस्फेट है, यहाँ पर एक क्वाइल लगा हुआ है, क्वाइल के आगे फिर एक फ्यूजेबल रजिस्टर लगा हुआ है, और फिर ये कहाँ जा रहा है, हमारा बीप, बीप पॉजिटिव पे। मतलब जैसे यहाँ पर 19 वोल्ट निकला तो ये जो करंट है यहाँ से सीधा कहाँ आ गया, इस मेन मॉस्फेट के ड्रेन पे, मेन मॉस्फेट के ड्रेन पे आ गया। मतलब एडाप्टर लगेगा तो बैटरी को तो चार्ज होना चाहिए ना। तो देखो बैटरी चार्ज होने का कंडीशन क्या है, तो पहले उसको देखो, तो यहाँ पर ये आ गया, लेकिन जब तक यहाँ पर ये हाई गेट और लो गेट ये एक्टिव नहीं होगा तब तक ये चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको पहले से पता है कि ये जो मेन मॉस्फेट है ये सपोर्टिंग मॉस्फेट है, इसके लिए क्या है कि यहाँ पर एक बूट पिन होता है, प्लस ये यहाँ पर फेज होता है। तो ये फेज और बूट ये किसकी रिक्वायरमेंट है, ये हाई गेट का जो ड्राइवर है यहाँ पर। और लो गेट की रिक्वायरमेंट क्या है, कि लो गेट की रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर VCC आना चाहिए और साथ ही साथ एक ग्राउंड भी मिलना चाहिए। मतलब हाई गेट तब प्रोड्यूस होगा जब इसके ड्राइवर को बूट मिलेगा और फेज मिलेगा, नंबर वन। लो गेट कब प्रोड्यूस होगा, जब इसके ड्राइवर को VCC मिलेगा और ग्राउंड मिलेगा। तो VCC मतलब इस बैटरी चार्जिंग आईसी पर एक पिन होगा VCC का, VCC पे भी कोई ना कोई वोल्टेज बनेगा, रिक्वायरमेंट है VCC बनेगा तभी लो गेट एक्टिव होगा। तो जब दोनों गेट एक्टिव होंगे तभी हमारा यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। जरा देखिए यहाँ पर स्कीमेटिक में कि VCC कैसे है, यहाँ पर हम देखिए VCC देख रहे हैं, पिन नंबर 20 पे VCC बन रहा है। कैसे बन रहा है VCC, तो देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर से आ रहा है, ये क्या आ रहा हमारा VRP5, मतलब 5 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट हमारा इन करेगा इस VCC पे, मतलब जो स्टेप डाउन का जो हमारा वोल्टेज होता है वो वोल्टेज यहाँ पर आकर के VCC बनाएगा, क्लियर। तो मतलब VCC पॉइंट के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, 5 वोल्ट आ रहा है फ्रॉम स्टेप डाउन या ऑलवेज ऑन सर्किट से। तो केवल VCC मिलने से हमारा हाई गेट लो गेट एक्टिव नहीं हो जाएगा, इन दोनों लॉजिक को कंट्रोल करने के लिए भी एक यहाँ पर सर्किट है। जब तक उस सर्किट को इसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, किसका इंफॉर्मेशन, आयो चिप से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि भाई
इसको आप ऑन करो हाई गेट लो गेट को, तब तक बैटरी अभी चार्जिंग स्टेटस में नहीं आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन तब मिलेगा जब बैटरी लगा रहेगा। तो होता क्या है कि ये बी प्लस पॉइंट पे जब हम बैटरी को लगाते हैं, तो बैटरी को लगाने के साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारा ये बैटरी कनेक्टर है। अगर इस बैटरी कनेक्टर पे देखें तो इसको पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं और आपको मैं इसके इम्पीडेंस के मुताबिक दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से पॉइंट का क्या क्या नाम है। तो एक बार ग्राउंड पिन पे सेट कर लीजिए, ग्राउंड पिन पे सेट कर लीजिए। देखिए ये दोनों क्या हो गया ग्राउंड, ये दोनों ग्राउंड है तो हमारा बी प्लस हो गया, ये दोनों हमारा बी प्लस। बी पॉजिटिव हो गया ग्राउंड। कोई और भी है क्या, और कोई ग्राउंड नहीं है, मतलब ये दोनों हमारा नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। और एक और काम करिए कि आप इसको रेड प्रॉप को ग्राउंड पे रख के एक बार इम्पीडेंस चेक करिए यहाँ पर। एट सेवन थर्टी एट, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, नाइन नाइन से ज़्यादा आ रहा है। अब इन दोनों का देखो इम्पीडेंस लगभग सेम लग रहा ना, सेवन एट्टीन 723 ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो ऑलमोस्ट सेम आपको दिख रहा है इन दोनों पिन पे, ये दोनों पिन हमारा क्या है, एसएम डेटा एसएम क्लॉक का। ये एसएम डेटा एसएम क्लॉक मैं अगर इसको ड्रॉ करके रखूं, ये मैंने ड्रॉ कर लिया इसको, टोटल पॉइंट क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ पॉइंट है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो हमारा ये दो पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो ग्राउंड, ये दो पॉइंट हमारा क्या है बी प्लस। अब ये दो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एसएम डेटा एसएम क्लॉक, एसएम डेटा एसएम क्लॉक। अब रह क्या गए, दो पॉइंट और रह गए। अगर हम इसको एस्केमेटिक के अकॉर्डिंग भी देखें, इसको अगर हम एस्केमेटिक के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर देखिए कि पिन नंबर फाइव तो हमारा एनसीए मतलब नॉट कनेक्टेड दे रहा है, पिन नंबर थ्री फोर हमारा एसएम डेटा एसएम क्लॉक है। गौर से देखो पिन नंबर थ्री फोर एक एक रजिस्टर लगा हुआ है, कहाँ जा रहा है ये लिखा ना, बैटरी डेटा क्लॉक, डीएटी मतलब डेटा क्लॉक। अब बीआई का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल, इन भी होना है आउट भी होना है। और पिन नंबर फाइव यहाँ पर क्या एनसी है, तो चलिए मैं इसको पिन नंबर फाइव को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। रह गया एक पिन, पिन नंबर सिक्स, पिन नंबर सिक्स रह गया। आ देखिए पिन नंबर सिक्स पे क्या है, ये सीधा 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 कहाँ आ रहा है, इस पे एक तो थ्री वोल्ट ऑलवेज बनता है, और जैसे ही बैटरी लगाओगे ये बैटरी इनका इन्फॉर्मेशन किसको चला जाएगा, आयो चिप को, मतलब इस पिन के थ्रू। ये हमारा बैटरी इनका पिन है, इस पे आपको एक रजिस्टर के थ्रू देखिए ऑलवेज वोल्टेज भी बन रहा है थ्री वोल्ट का। तो जब तक बैटरी नहीं लगा हुआ है तब तक यहाँ पर ये ऑलवेज रहेगा, बैटरी लगाते हो सकता है ये ऑलवेज वोल्टेज 3.3 वोल्ट जीरो हो जाए और इसकी इन्फॉर्मेशन किसको मिल जाएगी, आयो चिप को। तो आयो चिप को ये पता चल गया कि बैटरी लग चुकी है, बैटरी लगी हुई है। नंबर वन, चार्जिंग कब चार्ज चालू होगा, जब एडाप्टर भी इन हो जाए बैटरी भी लगा हो। तो आयो चिप को यहाँ पर ये तो पता चल गया कि बैटरी लग चुकी है, अब एडाप्टर लग गया ये कैसे पता चलेगा, ये भी तो पता लगना चाहिए कि एडाप्टर लग चुका है, तो वो कैसे आयो चिप को पता चलता है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इसके अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप देखिए स्कीमेटिक पर फिर से आइए, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एसी ओके, एसी ओके देखिए, एसी ओके जा रहा हमारा 35 मतलब पेज नंबर 35 को, आयो आयो को जा रहा है, पेज नंबर 35 मतलब आयो चिप है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दिया गया, फिर से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, और यहाँ क्या आ रहा है पीवी एडाप्टर, मतलब आप सीधा कह सकते हो इसी पॉइंट से पीवी एडाप्टर का मतलब यही पॉइंट हो गया ना, ये पॉइंट पीवी एडाप्टर मतलब इस पॉइंट को ले लो, चाहे इस पॉइंट को बात एक ही है, आप इसी पॉइंट को ले लो, इसी पॉइंट से फिर एक दो रजिस्टर लग के वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना, और ये इन्फॉर्मेशन किसको चली गई, आयो को क्या मिल गया, एसी ओके मतलब एडाप्टर। अब आप कितना वोल्टेज बन रहा है यहाँ पर वो भी बता सकते हो, एसी डिटेक्ट पे कितना वोल्टेज बन रहा है वो भी बता सकते हो, आपको क्या देखना होगा इन दोनों रजिस्टर की वैल्यू क्या है। तो एक बार रजिस्टर की वैल्यू देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, रजिस्टर की वैल्यू कितनी बता रहा है यहाँ पे, यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू फिलहाल नहीं दे रखा है, अगर आप देखो तो नहीं दे रखा है, ये कोड में दे रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है
लेकिन इसको देखो तो इसको देख के समझ में आ रहा है कि ये 300 K का, ये 47 K है, मतलब जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट दे रखा है एसी डिटेक्ट के लिए उस पे हमारा क्या रहा 300 K और 47 K, 300 K और 47 K। अगर हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये क्या हो जा रहा है, विन हमारा क्या है यहाँ पर 19 पीवी एडाप्टर 19 वोल्ट इंटू आर टू हो गया 47 बाय 300 प्लस 47 मतलब 347 कितना आया 2.5। यहाँ का राइट पोजिशन क्या है कि यहाँ पर 2.5 वोल्टेज आ रहा है, दैट मीन्स बैटरी चार्जिंग आईसी ने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ भाई एसी डिटेक्ट हो गया, बैटरी चार्जिंग को एसी डिटेक्ट हुआ मतलब एडाप्टर करंट डिटेक्ट कर लिया इस एसी ओके सिग्नल के थ्रू, आईओ चिप को पता चल गया कि एडाप्टर लग गया है ना। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बैटरी चार्जिंग आईसी भी बताता आयो को कि एडाप्टर लग चुका है, वो कैसे बताता है तो यहाँ पर देखिए पिन नंबर 7 से देखिए कुछ यहाँ पर आउट हो रहा है ना, आई आउट लिखा हुआ है ना, मतलब ये आई एडाप्टर, ये आई एडाप्टर देखिए ना आउट होकर के कहाँ जा रहा है फिर से पेज नंबर 35 को, पेज नंबर 35 का हमारा क्या आयो चिप, मतलब ये बैटरी चार्जिंग आईसी भी बता दिया आयो को कि एडाप्टर करंट इन हो चुका है, मतलब यहीं से हम ले सकते हैं ये सीधा सीधा ये इन्फॉर्मेशन गई पी गई आयो को कि एडाप्टर इन हो गया। इसका नाम क्या दिया उन्होंने, एडाप्टर स्प्रे, क्या नाम दिया यहाँ पर आई एडाप्टर, आई एडाप्टर, मतलब एडाप्टर करंट हमारा इन हो चुका है, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखिए यहाँ पर एक एसी प्रेस है, एसी प्रेस ये इन्फॉर्मेशन भी कहाँ जा रहा है एडाप्टर प्रेस कॉल करके आयो चिप को ही जा रहा है, यहाँ से भी आयो को इन्फॉर्मेशन मिल गया एडाप्टर प्रेस, मतलब आयो को तमाम ऐसे ये दो चार सिग्नल के थ्रू बता दिया जाता है एडाप्टर लग चुका है, बैटरी की इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आयो क्या जनरेट करेगा, अब आयो जनरेट करेगा एसएम डेटा एसएम क्लॉक, एसएम डेटा एसएम क्लॉक किसके लिए जनरेट करेगा तो यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब ये जो एसएम डेटा एसएम क्लॉक है ये भी हमारा आयो से ही जुड़ा हुआ है। तो आयो क्या करेगा, पहले कम्युनिकेट करेगा बैटरी से, बैटरी से कम्युनिकेट करके देखेगा कितने सेल लगे हुए हैं, कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है वगैरह वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर आयो सेम इसी पाथ से बैटरी चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होगा, मतलब यही इंटरफेस एसएम डेटा एसएम क्लॉक का बैटरी चार्जिंग आईसी से भी करेगा और इसको इन्फॉर्म करेगा कि सारी सिचुएशन ओके है, चार्जिंग को ऑन करो, तो फिर यहाँ पर हमारा हाई गेट लो गेट एक्टिव हो जाएगा और चार्जिंग हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, एक और बात समझिए, यहाँ पर चार्जिंग हमारा ऑन हो गया, चार्जिंग ऑन हुआ तो मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो यहाँ पर कितना वोल्ट बन रहा है, 10 वोल्ट बन रहा है, इस समय हमारा इस पॉइंट पे कितना बन रहा है, 19 वोल्ट बन रहा है। इस पॉइंट के और बी प्लस पॉइंट के बीच में एक और मॉस्फेट लगा होता है, एक और मॉस्फेट लगा होता है, वो कौन सा मॉस्फेट लगा होता है देखो, डिस्चार्जिंग मॉस्फेट इसको कहते हैं, हम कहते हैं इसको डिस्चार्जिंग मॉस्फेट। डिस्चार्जिंग मॉस्फेट अगर पी चैनल है तो इसके ड्रेन के साथ ये बी प्लस कनेक्ट है और सोर्स के साथ हमारा ये पावर सोर्स कनेक्ट है और इसमें बैटरी पोजिशन डायोड की पोजिशन क्या है ये है, तो आप खुद सोचिए अगर चार्जिंग चालू है 10 वोल्ट यहाँ बन रहा है इस पॉइंट पर तो ऑटोमेटिक 19 वोल्ट आ रहा है ना, इधर 19 आ रहा है इधर 10 आ रहा है, इधर तो ये हमारा पावर सोर्स से कनेक्ट है पॉइंट, सोर्स हमारा पावर सोर्स से कनेक्ट है, ड्रेन इसका बी प्लस से कनेक्ट है, बी प्लस पे 10 वोल्ट बन रहा है, सोर्स पे हमारा 19 वोल्ट बन रहा है, मतलब इस मॉस्फेट को कट ऑफ करना जरूरी है। ये मॉस्फेट को कट ऑफ कैसे किया गया है तो बैटरी चार्जिंग से फिर एक वोल्टेज निकल के इसको बोला गया बैटरी ड्राइव, ये सीधा सीधा यहाँ पर आ गया इस पिन के थ्रू, मतलब बैटरी ड्राइव पिन के थ्रू ये बैटरी चार्जिंग सर्किट इस मॉस्फेट को कंट्रोल कर रहा है। जब हमारा ये चार्जिंग इनेबल होगा मतलब एडाप्टर लगा होगा तब यहाँ पर 19 वोल्ट के आसपास बन रहा होगा, 19 वोल्ट मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से काफी ज्यादा, ये मॉस्फेट हो जाएगा कट ऑफ मोड में, ये मॉस्फेट हो जाएगा कट ऑफ मोड में आ जाएगा, ना इधर से आना ना इधर से आना, और जब एडाप्टर को हटा देंगे तो ये बैटरी चार्जिंग आईसी यहाँ पर 19 वोल्ट देना बंद कर देगा, जाहिर सी बात है फिर एज ए डायोड वर्क करेगा, 10 वोल्ट यहाँ से पास होकर के हमारे इस पावर सोर्स पे आ जाएगा और पूरे बोर्ड पे फैल जाएगा। तो ये हमने ये एप्लीकेशन देखा एस्कीमेटिक के अकॉर्डिंग कि कैसे हमारा
ये एचपी 450 का लैपटॉप है, कैसे इसमें हमारा बिन सेक्शन काम कर रहा है और कैसे हमारा बैटरी चार्जिंग सेक्शन काम कर रहा है, समझ गए। अब इस चीज को हम ट्रेस करके देखते हैं कि जो हमने किया वो सही किया कि गलत किया, है ना, जो हमने किया वो सही किया है कि गलत किया है। ट्रेसिंग तो करनी होगी, ट्रेसिंग देखते हैं करके हम, अब क्योंकि एस्केमेटिक पे समझना एक अलग बात है, ट्रेसिंग करना अलग बात है। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो एस्केमेटिक पे शो कर रहा होता है बट ट्रेसिंग में आओ तो वो नहीं मिलता, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको ट्रेसिंग क्लियर पता होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ के डायग्राम के मुताबिक चलूँ तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि डीसी जैक से पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ जाएगा, डीसी जैक से पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ जाएगा, एन चैनल के ड्रेन पे। तो देखो ड्रेन पे आ रहा है चार पिन पे, सोर्स से आउट होकर के कहाँ जाएगा, इस मॉस्फेट के सोर्स पे, ये भी एन चैनल है। अब फिर ड्रेन हमारा क्या है, ये हमारा करंट सेंसिंग रजिस्टर है, ये हमारा पावर सोर्स हो गया। यहाँ से ये एडाप्टर करंट पूरे बोर्ड को फैल जाएगा। अब रही बात गेट की, जब गेट इनेबल होगा तभी ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों एन चैनल मॉस्फेट का गेट एक साथ कनेक्ट है, इसका गेट पॉइंट ये हो गया और इसका गेट पॉइंट ये हो गया, दोनों आपस में कनेक्ट है। और इन दोनों के थ्रू, ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर के किससे जुड़ रहे हैं, बैटरी चार्जिंग आईसी से। तो यहाँ पर जो मैंने सर्किट बना उसके अकॉर्डिंग बीच में एक रजिस्टर है। अब अगर ये रजिस्टर खराब हो गया किसी वजह से तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनेगा, वोल्टेज नहीं बनेगा तो हमारा ये बिन सेक्शन काम नहीं करेगा। तो चलिए इस रजिस्टर को ढूंढते हैं, इस रजिस्टर के थ्रू हम पहुंच जाते हैं बैटरी चार्जिंग आईसी पे। तो ये मैंने पकड़ लिया इसको, एक मल्टीमीटर का प्रॉब मैंने लगा दिया यहाँ और वो रजिस्टर हमें दिख रहा है। देखिए रजिस्टर हमें मिल रहा है। अब इस रजिस्टर से देख लो, इस रजिस्टर के थ्रू हमारा क्या कनेक्ट हो गया, आईसी आ गया। सीधा सा मतलब है कि इस पिन के थ्रू, ये कौन सा पिन है, ये पिन नंबर 4 है। अगर हम स्कीमेटिक में भी देखें, देखो इधर पिन नंबर 4 हमारा, पिन नंबर 4 के साथ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है। इस रजिस्टर के थ्रू ये गेट, हाँ ये रजिस्टर एसी ड्राइव जो सिग्नल है वो यहाँ भी आ रहा है, इसके गेट पे भी और इसके गेट पे भी आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इस तरह हमने देख लिया आज की क्लास में कि किस तरह हमारा बैटरी चार्जिंग सेक्शन काम करता है। तो ये तो बात हो गई कि मैंने स्कीमेटिक भी समझाया और बाकी जो भी ट्रेस है वो आपकी प्रैक्टिस है, बाकी जो ट्रेसिंग है वो आपकी प्रैक्टिस है, आप उसको ट्रेस करो कि नहीं करो, क्योंकि ट्रेसिंग तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया कि पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 के साथ रजिस्टर लगा होता है, रजिस्टर लग के सीधा आयो को जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए ये हमारा बैटरी का कनेक्टर है, पिन नंबर 3 और 4 के साथ ये दो रजिस्टर लगे हैं, रजिस्टर सीधा कहाँ जाना चाहिए, आयो पे जाना चाहिए, एसएम डाटा एसएम क्लॉक। तो रजिस्टर भी आप यहाँ पर खोल सकते हो, देखो ये रहा रजिस्टर, एक ये रजिस्टर रहा, इस रजिस्टर को देखिए सीधा ये कहाँ जा रहा है, आ रहा है आयो पे। अब ये अगर रजिस्टर सपोज खराब हो गया तो उस केस में हमारा बैटरी डिटेक्ट ही नहीं होगा, एसएम डाटा एसएम क्लॉक, ये इन्फॉर्मेशन बैटरी तक जाएगा ही नहीं, मतलब कम्युनिकेशन होगा नहीं, बैटरी और आयो का कम्युनिकेशन होगा नहीं, चार्जिंग अलाउ नहीं होगा, चार्जिंग का कोई सिग्नल नहीं निकलेगा। तो बैटरी जब डिटेक्ट नहीं होती तो उस केस में हमें इन दोनों रजिस्टर को भी देखना पड़ता है, एसएम डाटा एसएम क्लॉक का। और ये जो पॉइंट देख रहे हो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 जो यहाँ पर है, ये वही पॉइंट है जिस पे मैंने आपको बताया था कि अडेप्टर लगाते ही 3.3 वोल्ट बन रहा है। अगर 3.3 बन रहा है तो इसका मतलब ऑलवेज वोल्टेज ओके, आयो को वोल्टेज मिल चुका है, विन सेक्शन हमारा परफेक्टली ओके है। तो इस तरह करके हम इस सर्किट को इजीली ट्रेस कर सकते हैं।